दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले माय फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को दबाओ लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं माय फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों जब भी हम फोटो DSLR कैमरे से फोटो लेते हैं तो सामने वाली सभी इन्फॉर्मेशन उस सब का डाटा रिकॉर्ड होकर हमारे कैमरे में सेव होता है। उस डाटा को दर्शाने के लिए कैमरा में हमें एक ग्राफ जैसा एक हिस्टोग्राम दिया रहता है। उस हिस्टोग्राम में आपको तीन हिस्से नज़र आएंगे। एक हिस्सा लेफ्ट साइड वाला जो डार्कनेस शैडोज़ को दर्शाता है, और सेंटर वाला जो हिस्सा है वो मिड टोन, और जो जो हिस्सा राइट के साइड होता है वो ज़्यादा ब्राइटनेस या फिर हाईलाइट को दर्शाता है। उस ग्राफ में आपका हिस्टोग्राम अगर लेफ्ट की साइड जा रहा है, मूव हो रहा है, ज़्यादा मूव हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी फ़ोटो अंडर एक्सपोज हो रही है या फिर वो डार्क हो रही है। अगर आपकी फ़ोटो में हिस्टोग्राम राइट की साइड बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो फ़ोटो आपकी ओवर एक्सपोज हो रही है, ज़्यादा हाईलाइटेड हो रही है। और अगर उस हिस्टोग्राम वो हिस्टोग्राम सेंटर में आपको दिखा रहा है, इसका मतलब आपके फ़ोटो में मिड टोन्स ज़्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि हिस्टोग्राम किस तरह का होता है। ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है यहाँ पे शैडोज़ का एक पोर्शन रहता है, बीच वाला मिड टोन, और ये राइट साइड वाला हाईलाइट रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से 0 से लेके 255 तक हमारी टोनल रेंज रहती है, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पिक्सल है। अगर आपका हिस्टोग्राम यहाँ पे आता है, ये शैडोज़ का हिस्सा है, ये लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब आपका फ़ोटो अंडर एक्सपोज होने वाला है। यहाँ पे आपको मिड टोन्स मिलते हैं और यहाँ पे हाईलाइट। अगर आपको वेल एक्सपोज फ़ोटो लेना है तो आपको वो फ़ोटो में आपकी जो टोनल रेंज की जो वैल्यू है 0 से लेकर 255 इसके अंदर ही आपको सीमित रखनी होगी। और यहाँ पे जो बाउंड्रीज दिए हैं, ये हमारे हिस्टोग्राम की बाउंड्रीज हैं। अगर आपका हिस्टोग्राम इस बाउंड्रीज के बाहर जा रहा है तो इसका मतलब या तो फिर ओवर एक्सपोज हो रहा है या फिर अंडर एक्सपोज हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको अपने PC पे दिखा देता हूँ। चलो तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको अभी एक ग्राफ का एक डायग्राम दिखाया था, उसी तरह से यहाँ पे यह हमारी टोनल रेंज है जो 0 से लेके 255 तक रहती है। हमें इस टोनल रेंज के बाहर हमारे हिस्टोग्राम नहीं लेके जाना चाहिए। और यहाँ पे पिक्सेल है, मतलब जितने ज़्यादा पिक्सेल यूज हुए उसका ये अंक दर्शाता है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपको शैडोज़ नज़र आएंगे, यहाँ से यहाँ तक मिड टोन और यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट, ये इस हिस्टोग्राम का डायग्राम है। हम दूसरा डायग्राम देखते हैं अभी। ये देखो, ये हमारा हिस्टोग्राम का ये बाउंड्रीज है। अगर हमारा हिस्टोग्राम इस बाउंड्रीज को टच करता है तो इसका मतलब हमारा अभी यहाँ पे टच किया है, इसका मतलब वो फ़ोटो अंडर एक्सपोज होने के चांसेस है। यहाँ पे मिड टोन है, यहाँ पे मिड टोन और यहाँ पे हाईलाइट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे शैडोज़, मिड टोन और हाईलाइट। जब हमारे हिस्टोग्राम में इस तरह की सिचुएशन रहती है तो हमारा फ़ोटो अंडर एक्सपोज होता है, क्योंकि हमारा जो हिस्टोग्राम है टोटली लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है। यहाँ पे ना ही वो सेंटर में ज़्यादा है ना ही राइट की तरफ। दूसरी सिचुएशन है करेक्टली एक्सपोज, मतलब वेल एक्सपोज हिस्टोग्राम, इसमें जो हमारी टोनल रेंज है बराबर बाउंड्री के अंदर ही है। यहाँ पे बराबर से ये हिस्टोग्राम दिखा रहा है, मतलब ये हमारा जो भी फ़ोटो रहेगा उस कंडीशन में वो फ़ोटो वेल एक्सपोज ही आएगा। और तीसरी कंडीशन है ओवर एक्सपोज, अगर हमारा हिस्टोग्राम राइट की तरह ज़्यादा मूव हो रहा है इस तरह, तो वो फ़ोटो ओवर एक्सपोज ही होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जांपल, पहला फ़ोटो में जो हिस्टोग्राम है वो लेफ्ट की तरफ गया, इसका मतलब यहाँ पे डार्कनेस ब्लैक कलर ज़्यादा आ गए, शैडोज ज़्यादा आ गए हैं, इसलिए वो फ़ोटो अंडर एक्सपोज हो गई है। दूसरा फ़ोटो में हम देख सकते हैं कि जो मिड टोन से हमारी
वो बराबर सेंटर में है, ना ही वो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा है ना ही राइट की तरफ ज़्यादा है, तो हमारा ये फ़ोटो एक करेक्ट एक्सपोजर मिल रहा है हमें। तो इस फोटो में हमें एक करेक्ट एक्सपोजर मिल रहा है। यहाँ पे हमें मिड टोन्स के भी डिटेल बहुत अच्छी तरह से दिख रहे हैं, ब्लैक के डिटेल भी आ रहे हैं और हाइलाइट्स के भी डिटेल दिख रहे हैं। तीसरे फोटो में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये फ़ोटो ओवर एक्सपोज हो गया, यहाँ पे वाइटनेस वाइट कलर ज़्यादा आ रहा है और हमारा हिस्टोग्राम राइट की तरफ ज़्यादा मूव हो रहा है, इसमें वाइट मतलब हाईलाइट की वैल्यू ज़्यादा है, ब्लैक कलर बहुत ही कम है और मिड टोन भी यहाँ पे ख़त्म हो गए है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का हिस्टोग्राम का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।